एथलेटिक्स में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए नागपुर जिला एथलेटिक्स संघ और राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह मंगलवार 18 अप्रैल को व्यवसाय प्रबंधन विभाग सभागृह विश्वविद्यालय खेल परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को अभय कुमार ने सम्मानित किया। इस खेल पुरस्कार समारोह में बोलते हुए आयुक्त बिक्रीकर जीएसटी नागपुर ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से ही मनुष्य के असली चरित्र का निर्माण होता है। खेल शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण कर सकते हैं। अगर कई बार खिलाड़ी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी खिलाड़ियों को दृढ़ निश्चय होकर लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सफलता हासिल करने की ताकत एथलीटों के भीतर होती है। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुभाष चौधरी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष गुरुदेव नगराले ने की। अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्डी विजय मुनीश्वर विश्वविद्यालय खेलकूद व शारीरिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य डॉ. धनंजय येरहुकर, NDA उपाध्यक्ष नागेश सहारे, योगी धनश्री लेकुरवाले, अमृता सिंघल आदि मौजूद थे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।